हेलो एवरीवन, वी आर रीडिंग द चैप्टर हिस्ट्री, चैप्टर नंबर 5, व्हाट बुक्स एंड ब्यूरियल्स टेल अस। सो लेट्स कंटिन्यू द चैप्टर। वी आर हेयर अ स्पेशल ब्यूरियल एट इमामगांव। इमामगांव है आपका, ये महाराष्ट्र में है। इसके बारे में स्पेशल ये है कि यहाँ पे जो ब्यूरियल्स मिले थे और ब्यूरियल्स यहाँ पे मिले थे, और उसके अलावा जो इमामगांव के है कि यहाँ पे रेक्टेंगुलर जो हाउसेस थे, यहाँ पे रेक्टेंगुलर शेप के घर हुआ करते थे। मोस्टली 1 or 2 रूम्स होते थे उनमें। लेकिन इमामगांव में एक आर्कोलॉजिस्ट को एक घर मिला हुआ है जिसमें 5 रूम का एक घर मिला, जिसको देख के पता लगता था कि वो शायद किसी रूलिंग फैमिली का होगा या रूलिंग चीफ का होगा। और उसमें प्लस वहाँ का बारे में ये भी कहा जाता है कि जो वहाँ पे एक ओवल शेप के पिट हाउस, जो पिट्स होते हैं ना, पिट्स मतलब जो गड्ढे टाइप के होते हैं ओवल शेप के, वो ऑलमोस्ट सारे घरों में मिलते थे। तो शायद में भी उनको जो फूड को कुक करने के लिए यूज किया जाता होगा, और मे बी शायद स्टोरेज करने के लिए भी उनको यूज किया जाता होगा। तो ये सारी चीज़ें इनामगांव की है। तो इसमें क्या है, देखिए इनामगांव है मैप 2 पेज नंबर 14 में अगर हम देखेंगे तो ये महाराष्ट्र में है, महाराष्ट्र में पड़ता है। इट इज़ अ साइट ऑन द रिवर गोंड, जो गोंड रिवर है, जो कि गोंड रिवर एक हमारी जो भीमा रिवर है उसकी एक ट्रिब्यूटरी है, उसके बगल में लोकेट है ये। इट वॉज ऑक्यूपाइड बिटवीन 3627 ईयर्स एगो। हेयर एडल्ट वर जनरली बरीड इन द ग्राउंड। यहाँ पे जो एडल्ट थे, जो युवा लोगों में से किसी की अगर डेथ हो जाती थी तो उनको ग्राउंड में मतलब दफना दिया जाता था। लेड आउट स्ट्रेट, मतलब उनकी बॉडी को सीधा रखा जाता था। विद हेड टूवर्ड्स द नॉर्थ, और जो उनका सर था उसको नॉर्थ डायरेक्शन की ओर को रख करते थे। समटाइम ब्यूरियल्स वर विद इन द हाउसेज, कभी कभी जो ब्यूरियल्स थे, जो आपकी कब्रें थी, उनको घर के अंदर ही वो लोग बरेट कर देते थे, दफना देते थे। और साथ में वेसल्स दैट प्रोबेबली कंटेन फूड एंड वाटर वर प्लेस्ड विद द डेड पर्सन, और साथ में उस डेड पर्सन के साथ उन बर्तनों को रखा जाता था जिनमें फूड और वाटर है, वो उन बर्तनों को भी उस पर्सन के साथ साथ रखा जाता था। वन मैन वॉज फाउंड बरीड इन अ लार्ज 4-legged क्ले जार इन अ कोर्ट यार्ड ऑफ द 5 रूम्ड हाउस। यही मैंने अभी आपसे बात बोली थी, एक पर्सन की एक डेड बॉडी मिली आर्कोलॉजिस्ट को, जो कि कहाँ पे थी कि एक बहुत बड़ा 4-legged क्ले जार, यानी कि जार था बहुत बड़ा, और जार था बहुत बड़ा जिसके 4 legs थे, और उनके कोर्ट यार्ड, मतलब कोर्ट यार्ड का मतलब होता है आंगन, जो 5 रूम का कोर्ट यार्ड था उसके वहाँ पे एक पर्सन की बॉडी मिली। और उसको साथ में ये भी कह रहे हैं कि वन ऑफ द लार्जेस्ट हाउस एट द साइट, और ये वो घर था जो उस साइट में इनामगांव में सबसे लार्जेस्ट था। मे बी इट वॉज बिलोंग टू द रूलिंग फैमिली और चीफ। इन द सेंटर ऑफ द सेटलमेंट, मतलब जो इनामगांव का इनामगांव था उसके सेंटर में हाउस मिला था 5 रूम वाला। दिस हाउस ऑल्सो हैड अ ग्रैंडरी, और उस घर के बगल में क्या थी, ग्रैंडरी भी थी। ग्रैंडरी वो जगह होती जहाँ पर अनाज को स्टोर करके रखा जाता है, अनाज को स्टोर करने के लिए स्टोर रूम आर कॉल्ड ग्रैंडरी। तो ग्रैंडरी वहाँ पे मिली थी। द बॉडी वॉज प्लेस्ड इन द क्रॉस लेग्ड पोजिशन, जो बॉडी थी आर्कोलॉजिस्ट को ने देखा कि जो वो बॉडी थी उसको क्रॉस लेग्ड पोजिशन में रखा गया था। यहाँ पे है कि व्हाट स्केलेटन स्टडीज टेल अस, स्केलेटन हमारे बारे हमें क्या बातें समझाते हैं, इसके बारे में मेंशन किया गया है। तो यहाँ पे जो है कि ये इसमें मेक आउट द स्केलेटन चाइल्ड फ्रॉम इट्स स्मॉल साइज, हाउएवर क्या स्केलेटन को आइडेंटिफाई करना बहुत मतलब इजी है। अगर हम उस देखें कि चाइल्ड का है, एडल्ट का है, उसको हम उसके स्केलेटन की साइज और उसको देख करके हम उसका आइडिया लगा सकते हैं। और अगर मैन और वुमेन में ये कहते हैं कि अगर हम डिफरेंस क्रिएट करना है तो हम वहाँ पे इन्होंने एक अवार्ड दे रखा है ज्वेलरी की, हम ज्वेलरी का ध्यान रख सकते हैं। लेकिन ये वो पीरियड था जब मैन और वुमेन दोनों ही ज्वेलरी पहनते थे। तो ये है, ये इम्पॉर्टेंट नहीं है, इम्पॉर्टेंट लाइन्स इसमें ये हैं कि अबाउट 2000 ईयर एगो देयर वॉज अ फेमस फिजिशियन, लगभग 200 साल पहले, 2000 साल पहले एक फेमस फिजिशियन थे जिनका नाम था चरका। ये इम्पॉर्टेंट है, हु रोट, एक फेमस फिजिशियन थे
जिनका नाम था चरकाहू रोट अ बुक ऑन मेडिशन, जिन्होंने मेडिशन के ऊपर एक बुक लिखी थी नोन एज अ चरका संहिता, उनको क्या कहा जाता था, दिस बुक इज नोन एज चरका संहिता। तो देयर वॉज अ स्टेट दैट द ह्यूमन बॉडी, और उस चरक संहिता में उन्होंने क्या मैंशन किया था कि ह्यूमन बॉडी में 360 बोन्स हैं। तो जनरली जो हम लोग कैलकुलेट करते हैं उसके अकॉर्डिंग काफ़ी ज़्यादा हैं, लेकिन यहाँ पे मेन ये थी कि जब उन्होंने इस जो फिगर दिया था बोन्स का, इसमें उन्होंने टीथ के जॉइंट के काटले सारे उन्होंने इंक्लूड किए थे, तो उसके अकॉर्डिंग उन्होंने इसको 360 बोन्स का कैलकुलेशन दी थी। तो यह ये इम्पॉर्टेंट है कि चरक कौन थे, चरक इज अ फेमस फिजिशियन एंड ही रोड चरका संहिता। नाउ ऑक्यूपेशन एट इनाम गांव, अब इनाम गांव के लोगों का ऑक्यूपेशन क्या था, वो क्या काम करते थे, ये है आर्कियोलॉजिस्ट हैव फाउंड शीट्स ऑफ वीट, जो आर्कियोलॉजिस्ट हैं उनको इनाम गांव में वीट के सीट मिले, बार्ले के, राइस पल्सेस, मिलेट पीज एंड सेसमे, सेसमे होता है जो तिल हम जिसको बोलते हैं, इसके शीड उनको मिले। तो बोन्स ऑफ अ नंबर ऑफ एनिमल, और बहुत सारे एनिमल्स के बोन्स आर्कियोलॉजिस्ट को मिले, मैनी बियरिंग कट मार्क दैट शो दैट दे मे हैव बीन यूज एज फूड, और उनमें उनको जो बोन्स मिले थे उसमें कट के मार्क लगे थे, और जिससे हमें ये पता लग रहा था आर्कियोलॉजिस्ट को कि उनको एज अ फूड यूज किया जाता होगा। हैव ऑल्सो बीन फाउंड दीज इंक्लूड कैटल, जैसे कि एनिमल्स में कैटल मिले, फैलो गोट शीप डॉग हॉर्स एस पैग सांभर स्पॉटेड डियर, ठीक है, ब्लैक बर्ग एंटीलोप हेयर मैंगूज, ये सारे एनिमल्स आर्कियोलॉजिस्ट को मिले, उनकी बोन्स मिली थी और उनमें कट के मार्क थे, जिससे ये हमें समझ आता था आया कि जो लोग थे उस पीरियड में इनको एज अ फूड वो यूज करते थे। बिसाइड बर्ड क्रोकोडाइल टर्टल, इसके अलावा उनको कुछ बर्ड्स भी मिली थी, जैसे क्रोकोडाइल बर्ड्स मिली थी, क्रोकोडाइल मिले थे, टर्टल मिले थे, क्रैब थे और फिश मिले थे। देयर इज अ एविडेंस दैट फ्रूट सच एज बेर आमला जामुन डेट्स एंड वेराइटी ऑफ बेरीज वर कलेक्टेड, और इस बात के भी आर्कियोलॉजिस्ट को प्रूफ मिले कि उस पीरियड में जो लोग थे वो कई तरीके के जो फ्रूट्स थे उनको कलेक्ट करते थे। तो ये आपका चैप्टर कंप्लीट हो गया, नाउ इसकी एक्सरसाइज में आ जाते हैं। एक्सरसाइज के लिए फर्स्ट आपका है मैच द कॉलम, यू आई थिंक आप सबके पास बुक होगी, प्लीज आप इसको उसमें मेंशन कर लेना। सूक्ता, सूक्ता मीन्स होते हैं, इसको मैच अगर हम करते हैं वेल सेड, चैरियट्स को मैच करते हैं हम यूज्ड इन बैटल, याजना क्या है सैक्रिफाइस है, दासा क्या है दासा को करते हैं स्लेव्स में, मेगालिथ्स क्या थे स्टोन बाउल्डर थे। नाउ फिलिंग द ब्लैंक है, स्लेव्स वर यूज फॉर वर्क, जो स्लेव्स थे उनका यूज किया जाता था किस चीज के लिए, काम के लिए। मेगालिथ्स आर फाउंड, मेगालिथ्स मिले कहाँ मिले थे, साउथ इंडिया में मिले थे, नॉर्थ ईस्ट और कश्मीर के रीजन में मिले थे। और सी पार्ट है इसका, स्टोन सर्कल और बाउल्डर्स ऑन द सरफेस वर यूज्ड, जो स्टोन बाउल्डर थे मैंने अभी समझाया था चैप्टर में, ये जो स्टोन बाउल्डर थे बड़े बड़े पत्थर थे उनको सरफेस पे रखा जाता था, और वो किस चीज को बताते थे कि दे इंडिकेट दैट एग्जैक्ट प्लेस ऑफ बरिड, कि वो क्या बताते थे कि ये वो जगह है जहाँ पे एक पर्सन को दबाया गया है, वो एग्जैक्ट प्लेस बताते थे द पर्सन वॉज बरिड हेयर। फिर था पॉट होल वर यूज्ड फॉर क्या है, बरिंग द मेंबर ऑफ द सेम फैमिली एट द सेम प्लेस, और उनका पॉट होल थे ना, पॉट होल में उनका ढक्कन अगर लगा दिया जाता था जब लेटर उसी फैमिली का अगर कोई दूसरे मेंबर की डेथ हो गई है तो उसको उस पॉट होल के जरिए अंदर दबा दिया जाता था। पीपल एट इनाम गांव वर एट, जो इनाम गांव के लोग थे वो क्या खाते थे, वीट राइस बार्ले पल्सेस एक्सेट्रा। तो ये आप अपनी बुक में इसको कंप्लीट कर लेना। नाउ वी आर मूविंग टू द क्वेश्चन आंसर। क्वेश्चन नंबर थर्ड है आपका, इसमें मैंने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट मेंशन कर रखा है,
कि इन वट वेज आर बुक्स वी रीड टूडे डिफरेंट फ्रॉम द ऋग वेदा। आज जो हम बुक पढ़ते हैं वो ऋग वेदास के कंपैरिजन में कितनी डिफरेंट है। तो कितनी डिफरेंट है, तो फर्स्ट टूडेज बुक्स आर रिटन एंड प्रिंटेड। आज जो हम बुक पढ़ते हैं उनको लिखा गया है, उनको प्रिंट कर दिया गया है। वाइल द ऋग वेदा वॉज रिसाइट, जबकि जो ऋग वेद था उसको रिसाइट किया जाता था, रिसाइट करना मतलब गाया जाता था, एंड हर्ड उसको सुना जाता था, इट वॉज लेटर हैंड रिटन और बाद में उसको हाथ से लिखा गया। सेकेंड क्या डिफरेंस है कि द टेक्स्ट ऑफ द ऋग्वेदा इज इन ओल्डर वैदिक संस्कृत। जो ऋग्वेद हैं वो क्या थे, हमारे वैदिक संस्कृत में थे। ये वो संस्कृत जो आज हम पढ़ते हैं स्कूलों में उससे बिल्कुल डिफरेंट है। और आज हम अगर हम अपने सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हम उनको स्टडी करते हैं तो उस समय जो ऋग्वेद पढ़े जाते थे जो कि किसमें होते थे, वैदिक संस्कृत में होते थे। सेकेंड है, What kind of evidence from burials do archaeologists use to find out whether there were social differences among those who buried? मतलब जो क्या ऐसे evidence है, evidence का मतलब proof, क्या ऐसे proof है जो archaeologist को मिले और जिससे ये पता लगा कि जिन लोगों को दफनाया गया था वो उनमें आपस में उन लोगों में social difference था। तो ऐसे क्या example इसमें हमें मिला, द ऑब्जेक्ट फाउंड इन द ग्रेव आर यूजली डिफरेंट। यही था कि जो ग्रेव, जब आर्कियोलॉजिस्ट ने ग्रेव की खुदाई की थी तो उसमें जो ऑब्जेक्ट मिले थे वो बिल्कुल डिफरेंट थे। अलग अलग ग्रेव से अलग अलग ऑब्जेक्ट मिले थे। सम स्केलेटन वर बरेड विद अ ग्रेट नंबर ऑफ पॉट्स, कुछ स्केलेटन को दबाया गया था उसमें बहुत सारे पॉट्स थे। वाइल सम विद जस्ट अ फ्यू ऑफ देम, जबकि दूसरे इसमें बहुत थोड़ा, मतलब किसी ऐसे ग्रेव थी जिसमें बहुत सारी उनको चीजें मिली थी। जैसे इनाम गांव का मैंने आपको पहले समझाया था कि एक वहां पे 30 बीट्स मिले थे, गोल्ड के कॉइन मिले थे, गोल्ड बीट मिले थे, पॉट मिले थे, जबकि कोई ग्रेव ऐसी होती थी जिसमें बहुत थोड़ा ही सामान मिलता था। और जिससे ये पता लगा कि सो द आर्कियोलॉजिस्ट हैव दस कंक्लूडेड, उन्होंने आर्कियोलॉजिस्ट ने कंक्लूड किया कि दैट द पीपल वर बरीड विद ऑब्जेक्ट डिपेंडिंग अपॉन देयर स्टेटस। लोगों को जब उनके ऑब्जेक्ट के साथ दबाया गया था वो उनके स्टेटस को बताता था। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, In what ways do you think that the life of the Rajas was different from that of the Dasa or Dasi? जो राजा की लाइफ थी वो दासा और दासी से किस तरीके से डिफरेंट है। तो राजा क्या थे, राजा वर द किंग ऑफ द कम्युनिटी, राजा कम्युनिटी के किंग थे। वेर एज द दासा एंड दासी वर द लोएस्ट पोजिशन इन द सोसाइटी, जबकि जो दासा और दासी थे उनको जो समाज में सबसे लोएस्ट पोजिशन मिली हुई थी। सेकेंड है, दासा एंड दासी वर स्लेव्स, दासा और दासी क्या थे, स्लेव्स थे हु वर यूज्ड फॉर वर्क, जिनका यूज किया जाता था कामों को करने के लिए। फिर है, दे वर ट्रीटेड एज द प्रॉपर्टी ऑफ देयर ओनर, जो दासा दासी थे उनके साथ जो उनका ओनर है जिसके भी वो दास दासी हैं वो अपनी प्रॉपर्टी की तरह उनके साथ ट्रीट करता था। एंड दे वर कैप्चर्ड इन वॉर, और उनको जो लड़ाइयां थी, वॉर था उसमें उनको बंदी बनाया जाता था। फिर है, एक्स्ट्रा क्वेश्चन में आ जाते हैं, तीन ही देयर आर ओनली थ्री क्वेश्चन, और कीवर्ड्स मैंने आपको करवाए नहीं है, केवल तीन क्वेश्चन है और उसके बाद मैंने आपको 10 एक्स्ट्रा क्वेश्चन करवा रखे हैं। तो फर्स्ट वन इज, विच इज द ओल्डेस्ट वेदा अमंग द फोर वेदास, जो चार हमारे वेद हैं उसमें सबसे ओल्डेस्ट वेद कौन सा है। तो द ओल्डेस्ट वेदा इज ऋग्वेदा। सेकेंड क्वेश्चन है इसका, इन विच लैंग्वेज ऋग्वेदा वॉज रिटन, जो ऋग्वेदा है उसको किस लैंग्वेज में लिखा गया है, मीन्स उसकी लैंग्वेज कौन सी है। तो द ऋग्वेदा वॉज रिटन इन एन ओल्ड और वैदिक संस्कृत, किस में लिखा गया है, ओल्ड वैदिक संस्कृत में लिखा गया है। अगला क्वेश्चन है, व्हाट आर मेगालिथ्स, मेगालिथ्स क्या है,
तो मेगालिथ्स क्या थे, दे है क्या है, दीज आर द स्टोन बाउंडर्स, ये क्या है, बड़े बड़े पत्थर हैं, यूज्ड टू मार्क ब्यूरियल्स साइट आर नोन एज मेगालिथ्स, जिनको ब्यूरियल्स साइट के रूप में मार्क किया जाता है, यानी कि जहां पर एक पर्सन को दबा दिया जाता था वहां पे बड़ा सा पत्थर, बड़े बड़े पत्थर वो रख देते थे और जो कैंडिकेट करते थे कि देयर दे हैड दे बरेड अ पर्सन। तो क्या थे, स्टोन बाउल्डर हैं, दे आर यूज्ड टू, दे आर मार्क द ब्यूरियल साइट आर नोन एज मेगालिथ्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई याजनाज और सैक्रिफाइसेस वर परफॉर्म्ड, जो याजना थे और सैक्रिफाइसेस थे उनको क्यों किया जाता था। तो सैक्रिफाइसेस और याजना को इसलिए किया जाता था टू प्लीज गॉड एंड गॉडेसेस, जिससे वो जो गॉड और गॉडेसेस हैं, देवी देवताएं हैं, उनको वो खुश रखें, खुश रख सकें। तो याजना और सेक्रीफाइसेस वर परफॉर्म्ड टू प्लीज गॉड एंड गॉडेसेस। अगला है, व्हाट इज सूक्ता, सूक्ता क्या थे, क्या है सूक्ता, क्या है, द ऋग्वेदा इंक्लूड मोर देन 1000 हिम, जो ऋग्वेद है इसमें 1000 से भी ज्यादा हिम्स हैं, जिनको क्या कहा जाता है, सूक्ता कहा जाता है, या उनको वेल सेड कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम द फोर वेदास, आपको फोर वेदास के नेम देने हैं यहाँ पे। तो फोर वेदास के नेम हैं, द फर्स्ट वन इज ऋग्वेदा, सेकंड इज सामवेदा, एंड थर्ड वन इज यजुर्वेदा, एंड फोर्थ वन इज अथर्ववेदा। नेक्स्ट है क्वेश्चन, हु वॉज चरका, चरका कौन थे, अबाउट 2000 ईयर एगो, लगभग 2000 साल पहले, देयर वॉज अ फेमस फिजिशियन, एक बहुत फेमस फिजिशियन थे जिनका नाम चरक था, हु रोट अ बुक ऑन मेडिशियन, जिन्होंने मेडिशियन पर के ऊपर एक बुक लिखी थी, जिसको क्या, किस नाम से जाना जाता है, चरका संहिता के नाम से जाना जाता है। नाउ क्वेश्चन नंबर 8, व्हाई वर पॉर्थोल यूज्ड फॉर, जो पॉर्थोल थे उनको किस लिए यूज किया जाता था। तो द पॉर्थोल्स वर यूज्ड एज एन एंट्रेंस, उनको एक एंट्रेंस के रूप में यूज किया जाता था, थ्रू दीज पॉर्थोल्स द बॉडीज ऑफ अ फैमिली मेंबर हु डाइड लेटर वर ब्रॉट इनटू द ग्रेव, जहां से जिन पॉर्थोल से जो बॉडीज ऑफ द फैमिली मेंबर, मतलब जो बाद में अगर जिस पर्सन की फैमिली मेंबर की बाद में डेथ हो गई हो, उसकी बॉडी को उस पॉर्थ होल के जरिए वो अंदर ग्रेव में रख देते थे। फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिस्ट द नेम्स ऑफ द रिवर मेंशन इन ऋग्वेदा, ऋग्वेदा में जिन रिवर्स के बारे में मेंशन किया गया है उनके नेम लिखने हैं आपको। तो ऋग्वेदा में जो रिवर्स थी वो लिखी है, मेंशन की गई हैं, दीज आर द बेस, सतलज, इंदस, सरस्वती, गंगा एंड द रिवर यमुना, ये वो रिवर्स हैं जिनके बारे में वेदास में मेंशन किया गया है। फिर है लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10 कि डिस्कस द थ्री गॉड्स विच आर इम्पोर्टेंट इन वेदास, आपको तो यहाँ पे थ्री गॉड्स के बारे में डिस्कस करना है जो कि वेदास के में इम्पोर्टेंट थे। तो फर्स्ट वन इज अग्नि, द गॉड ऑफ फायर, द फर्स्ट वन इज अग्नि द गॉड ऑफ फायर, एंड सेकंड वन इज इंद्रा अ वॉरियर और गॉड, मतलब एक वॉरियर गॉड थे, एक वॉरियर गॉड है इंद्रा, और थर्ड वन इज सोमा। सोमा क्या है, अ प्लांट फ्रॉम विच अ स्पेशल ड्रिंक वॉज प्रिपेयर्ड, एक तरीके का बहुत प्लांट था, रेयर प्लांट था, जिससे एक स्पेशल ड्रिंक प्रिपेयर की जाती थी और स्पेशल ओकेजन पे इसको वो पीते थे। तो क्या था, तीन गॉड है, डिस्कस थ्री गॉड इन विच आर इम्पोर्टेंट फॉर इन वेद, इम्पोर्टेंट इन वेदास, तो दीज आर दी अग्नि द गॉड ऑफ फायर, इंद्रा अ वॉरियर गॉड, सोमा अ प्लांट फ्रॉम विच अ स्पेशल ड्रिंक वॉज प्रिपेयर्ड। तो दैट्स ऑल फॉर दिस, द चैप्टर इज हेयर, द चैप्टर इज कम्प्लीटेड।
आप इसे अपनी फेयर नोटबुक में नीट एंड क्लीन हैंड राइटिंग में कर लेना. इफ़ यू पीपल हैव एनी डाउट देन यू कैन कॉल मी. आपके पास ऑलमोस्ट सारे बच्चों के पास मेरा फ़ोन नंबर है, देन यू कैन कॉल मी. बट इसको नीट एंड क्लीन हैंड राइटिंग में आप इसको अपनी फेयर नोटबुक में कर लेना. जिससे और इफ़ आपकी कोई भी क्वेरीज होंगी, कोई भी डाउट है, देन यू कैन आस्क मी. या तो आप कॉल करके मुझसे पूछ लेना या कमेंट सेक्शन में लिख के पूछ सकते हैं. दैट्स ऑल फॉर टुडे. थैंक यू.